हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीवन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो फाइनली राजस्थान प्रदेश के अंदर आपके राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर ग्रेजुएशन लेवल की जो आपकी सीईटी परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है। पूरे प्रदेश के अंदर दो दिन में चार पारियां आपकी हुई थी और फाइनली आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने एग्जाम दी है। लगभग 70% जो है यहाँ पर अटेंडेंस रही है। अगर चारों पारियों की बात करें हम लोग तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने एग्जाम दी है। अब पेपर का जो लेवल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पेपर का जो अनुमानित कट ऑफ है वो क्या रह सकती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे तो कल से बहुत सारी वीडियो बन चुकी है यूट्यूब पर, आप लोगों ने देख लिया होगा। अलग अलग जो है यहाँ पर यूट्यूब चैनल के अलग अलग कट ऑफ सामने आ रही है, लेकिन एक कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पेपर का लेवल क्या था और कट ऑफ कितनी रह सकती है और किस आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आगे की भी पूरी कंप्लीट चर्चा करेंगे, कैसे आपका चयन होगा, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है और 100% ऑथेंटिक बातें करेंगे, तो एंड तक वीडियो को देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके चार पेपर हुए हैं, पहली शिफ्ट का, दूसरी शिफ्ट का, तीसरी शिफ्ट का और चौथी शिफ्ट का। हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग है, किसी में सवाल थोड़े अच्छे बने हैं, किसी में थोड़े कम अच्छे बने। तो यहाँ पर जो है लेवल अलग अलग रहा है। तो पहली बात जो आपके मन में सवाल है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो इन्होंने पहले ही कह दिया था वैसे तो कि भाई हम जब चार पारियों में पेपर ले रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि कुछ पेपर के जो है क्वेश्चन आसान रहे हैं और किसी के टफ रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभी तक आपका यहाँ पर जो डेटा सामने आया है, जो कंप्लीट आपने जो कॉमेंट करे हैं उनसे पता लग रहा है कि जैसे शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर है वो अनुमानित ठीक रहा है, मतलब ज़्यादा टिपिकल भी नहीं आया तो ज़्यादा ईजी भी आया, मॉडरेट पेपर रहा है। और मैंने लाइव आकर भी आपको बताया था कि मॉडरेट पेपर ही आपका रहा है। सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा पेपर थोड़ा अच्छा आया था सेकंड शिफ्ट का, पहली शिफ्ट की तुलना में सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो काफी अच्छा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर थर्ड शिफ्ट और फोर्थ की बात करें तो इनके भी लगभग जो है आसपास पेपर ठीक रहे हैं, मॉडरेट पेपर रहे। तो जितना हम सोच रहे थे कि आसान पेपर है, इजी पेपर, वो नहीं है। पेपर काफी अच्छे थे, काफी अच्छे क्वेश्चन बने हैं और सभी विद्यार्थियों की राय भी आई है, कमेंट भी आई कि सर पेपर ठीक था, मतलब इतना टिपिकल भी नहीं था कि अटेम्प्ट ना हो और इतना इजी भी नहीं था कि भाई सब कुछ क्वेश्चन ही कर दे, 100+ कर रहे हैं, 110 कर दिए, 120 कर दिए, इतने किसी से हुए नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 के आसपास ही अटेम्प्ट आपने किया है और मतलब इतने जो सही होने के जो चांसेज है वो इतने ही बन रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है और आगे आपका क्या प्रक्रिया रहेगी। तो यहाँ पर लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर किस आधार पर मेरिट बनेगी, क्या न्यूनतम अंक के आधार पर मेरिट बनेगी या अलग से कट ऑफ निकलेगी कैटेगरी के हिसाब से। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कैटेगरी के हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो बनेगी। न्यूनतम जैसे हो सकता है कि क्राइटेरिया डिसाइड कर दे कि 50% मिनिमम होना चाहिए या 40% मिनिमम होना चाहिए, 40% से कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी भी भर्तियां होती हैं, चाहे प्री एग्जाम हो चाहे मेन्स एग्जाम हो, कम से कम 40% मार्क्स तो एलिजिबल माना ही जाता है कि इससे कम में तो हम आपको पास नहीं करेंगे। तो 40% से कम तो कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये तो मिनिमम है। और अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो के हिसाब से अगर हम देखें तो वीडियो में 50% का एक क्राइटेरिया रखा गया था कि जिनके 50% मार्क्स आए उनको यहाँ पर पास कर दिया गया था और बाकी SC ST को यहाँ पर छूट भी दी गई थी आरक्षण के हिसाब से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि 15 गुना की ये लोग बात कर रहे हैं कि जितनी भी पोस्ट होंगी उसका 15 गुना करके यहाँ पर जो है ये पास करेंगे, ठीक है ना। जो भी होंगे ये पास करने वाले हैं जो 15 गुना होंगे यहाँ पर। मान लीजिए आपकी 100 पोस्ट है तो 100 का 15 गुना कर देंगे ये लोग, तो इस हिसाब से आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो 15 गुना के हिसाब से अगर करेंगे तो अब कुछ पोस्ट कम है, जैसे मान लीजिए पटवारी की बात करें जो जल संसाधन विभाग की भर्ती है उसमें तो 250-300 ही पोस्ट है। एक आपके अगर जूनियर अकाउंटेंट की बात करें उसमें 1900 पोस्ट है। तो अगर आप 15 गुना पास करेंगे तो यहाँ पर जो है असमानताएं देखने को मिलेगी, एक में तो कुछ ही विद्यार्थी बैठेंगे, एक में बहुत ज़्यादा बैठेंगे। तो इनका जो क्राइटेरिया होगा वो मिनिमम अंक के हिसाब से हो सकता है, एक प्रॉपर कट ऑफ बनाएंगे कि भाई जनरल के इतनी कट ऑफ है तो ये वाले आप जो है सभी एग्जाम में बैठ सकते हैं, यहाँ पर OBC वाले इतनी कट ऑफ वाले एग्जाम में बैठ सकते हैं, इस हिसाब से आपकी कट ऑफ बन सकती है। तो आपके जो भी यहाँ पर जो है रिव्यू सामने आए हैं, जो कमेंट आए हैं उसके आधार पर और पेपर के लेवल के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल की जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है। तो यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ है, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, इसके आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अगर 180 मार्क्स से लेकर 190 के बीच में आपके मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं। अब 180 मार्क्स का मतलब लगभग 60% है ना, 60% अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने में तो कन्फर्म आपका हो ही जाएगा। तो 180-190 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो यहाँ पर चांसेस है कि आपका नंबर आ जाएगा और आप लोग जो इनकी आगामी भर्तियाँ हैं उनकी तैयारी शुरू कर दें। इसके बाद अगर हम बात करें EWS की और OBC की बात कर लेते हैं तो EWS OBC के आसपास ही रहती है कट ऑफ, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता।
हमेशा देखने को मिलता है कि AWS की कट ऑफ OBC से भी कम चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 170 से लेकर 180 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि आप जो है आगे सेलेक्ट हो जाएंगे और इनकी जो मेंस एग्जाम है उसमें बैठ पाएंगे। तो तकरीबन 170 से 180 नंबर तो आपके होने चाहिए, तो फिर आप कंफर्म आपका क्लियर हो जाएगा पेपर। SC ST की यहाँ पर हम बात करें तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी, 50% के आसपास, यानी 160 नंबर से लेकर 170 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है SC कैटेगरी की। वहीं अगर हम ST की बात करें तो यहाँ पर 150 से लेकर 160 के बीच में आपके मार्क्स यहाँ पर रह सकते हैं। तो इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो पूरे पूरे चांसेज है कि आपका नंबर यहाँ पर आ सकता है और आपका पेपर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। MBC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो MBC की भी कट ऑफ ज़्यादा रहती है, OBC के आसपास ही रहती है। तो 165 से लेकर 175 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो यहाँ पर आपके चांसेस है कि आपका नंबर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये आपकी कट ऑफ रह सकती है, अनुमानित कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ऐसे नाराज मत होना कि सर मेरे तो 2 नंबर कम आ रहे हैं, 3 नंबर कम आ रहे हैं, ऐसे आपको नाराज नहीं होना है। इनसे कट ऑफ आपकी कमी रहेगी, हो सकता है जो भी भर्ती है उसके पदों में यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाए। अभी तक जो है उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हो सकता है जूनियर अकाउंटेंट में यहाँ पर 1000 पद और बढ़ा दिए, या आपके पटवारी के अंदर और बढ़ा दिए, प्लाटून कमांडर के अंदर और यहां पर इंक्रीज कर दिए पोस्ट। तो हो सकता है कि पदों के अंदर बढ़ोतरी हो जाए तो आपके ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट यहां पर पास किए जाएंगे और करेंगे ये लोग, इसलिए इनसे तो कभी कट ऑफ जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं और आप लोग जो है आगामी जितनी भी एग्जाम्स आपकी होने वाली है राजस्थान के अंदर उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने CET ग्रेजुएशन लेवल का भी फॉर्म लगाया है और CET 12th लेवल का भी लगाया है। आप सभी को मालूम है कि CET 12th लेवल में बहुत ज्यादा पोस्ट होने वाली है क्योंकि उसमें राजस्थान कांस्टेबल है, इसके अलावा LDC भर्ती है जिसमें काफी ज्यादा संख्या में पोस्ट आने वाली है। तो उसमें कई गुना विद्यार्थी पास होंगे, ज्यादा ज्यादा संख्या में विद्यार्थी पास किए जाएंगे तो उसमें सेलेक्ट होने के चांसेस यहां पर ज्यादा है, CET 12th लेवल क्लियर होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन जिनका CET ग्रेजुएशन लेवल का पेपर ठीक ठाक नहीं गया, वैसा नहीं बना जैसे आप कोशिश कर रहे थे, आपकी मेहनत मतलब ठीक ठाक नहीं हुआ, काफी बार नहीं होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको अब जो है मूव ऑन करना है, 12th लेवल CET तकरीबन 1 महीना बाकी है तो उसमें आपको जो है मेहनत करनी है और उसका पेपर काफी अच्छा आने वाला है। ज्यादा उसका सिलेबस भी नहीं है, इसमें इंडिया GK थी, उसके अंदर इंडिया GK आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ राजस्थान GK आएगी। तो राजस्थान GK पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। कंप्यूटर का भी ज्यादा सिलेबस नहीं है, साइंस भी ज्यादा टिपिकल नहीं है, बट 12th लेवल की साइंस नहीं आएगी, उसमें 10th लेवल के जितने भी टॉपिक है वही पूछे जाएंगे, मैथ भी ज्यादा टिपिकल नहीं आएगी, तो उसका सिलेबस ज्यादा लेंदी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है, इसलिए अब आपको जो है मेहनत करनी है 12th लेवल के लिए और टारगेट लेके तैयारी करनी है कि मुझे कम से कम 150 में से 100 क्वेश्चन करने, 120 क्वेश्चन करने, 110 क्वेश्चन करने, ये टारगेट लेकर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब आपको ये तो सब कुछ क्लियर हो गया, पेपर किस हिसाब से बन रहे हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहे हैं, कहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि GK का पोर्शन ज्यादा आ रहा है। अगर आप पेपर देखेंगे चारों पेपर चारों शिफ्ट के, GK का पोर्शन ज्यादा आ रहा है, तो GK ही आपको ज्यादा पढ़ना है। आपको आर्ट एंड कल्चर ज्यादा पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, आपको GK पढ़ना है, क्योंकि 150 क्वेश्चन में से आपने देखा है कि तकरीबन 100 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर और जो है GK के ही आए हैं। तो आप इस 100 क्वेश्चन वाले को ही टारगेट करो, क्योंकि मान लीजिए मैथ रीजनिंग आपने पढ़ लिया है तो वो हो जाएंगे, वो गलत नहीं होंगे, हिंदी इंग्लिश भी ज्यादा नहीं आ रही है, कंप्यूटर भी ज्यादा नहीं आ रही है, तो आपका जो ध्यान होना चाहिए वो GK और GS पर और आपके जो करंट अफेयर है उस पर होना चाहिए। तो ये 100 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए। तो जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उतनी आपको करनी है। बाकी ग्रेजुएशन लेवल की कट ऑफ ज्यादा नहीं रहेगी, इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं, इससे कम ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो ये कुछ बात थी जो मैंने आपको बता दी है, आप लोग कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कोई बात होगी, कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने पूरा बता दिया आपको, अटेंडेंस कितनी रही है, कितने विद्यार्थी पास किए जाएंगे, किस हिसाब से पास होंगे, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।